कोरोना महामारी की जय। आदरणीय श्री मित्रों, आप सबको हम कोटि सा प्रणाम करते हैं, आपका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपनी बात हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसमें कहीं कोई चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए या कमी रहे तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सुझाव देंगे ताकि भविष्य में हम इसमें सुधार कर सकें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आज हमने पापों का नमूना COVID-19 कोरोना विषय से अपनी बात रखने की कोशिश की है। आप देखें यह प्रतीकात्मक चिन्ह है COVID-19 कोरोना का, और इसके हम आगे बढ़ते हैं। इंसान के प्रति अन्य जीवों में किस तरह की भावनाएं हैं आप देख सकते हैं। केरल की घटना हम किसी छिपी नहीं है, केवल भारत में नहीं बल्कि इसको लेकर के विदेशों में भी चर्चाएँ हो रही हैं। कुछ शरारती तत्वों ने गर्भवती हाथमी को विस्फोट भरा नायास किला दिया, जिसमें गर्भवती हाथमी की मौत हो गई। गर्भवती हाथमी का अभिप्राय हाथमी और उसके गर्भ में पल रहा शिशु दोनों शामिल हैं। इस संदर्भ में आप देखें कि माँ और गर्भ में पल रहे शिशु की आपस में भावनात्मक चर्चाएँ क्या हो रही हैं। शिशु बोलता है, गर्भस्थ शिशु कहता है, माँ ऊपर से तो ये अनानास ही दिख रहा था। फिर हाथनी बोलती है गर्भ में पलने शिशु से, ऊपर से तो वो भी इंसान ही दिख रहे थे। क्या कभी किसी जीव ने बेवजह किसी इंसान को परेशान किया है? अगर वही दूसरी तरफ यह कहा जाए, क्या किसी इंसान ने किसी जीव को बेवजह परेशान किया है? दोनों के उत्तर एक दूसरे के विपरीत आएंगे। जिसे हम जीव जंतु कहते हैं उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बेवजह इंसान को दिक्कत हो, परंतु इंसान ने तो अपनी विलासिता की चाह में न जानने कौन कौन से कार्य किए। फिर से हम इस चित्र को आपको दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप किस तरह से गर्भस्थ शिशु और उसकी माँ हाथमी, और आप आगे देखें कि COVID-19 कोरोना अपनी बात करता है इस इंसान से, जिस इंसान से इस पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु संतुष्ट नहीं है। मैं स्वाभिमानी हूँ, मुझे चैलेंज मत करना, बिना बुलाए मैं नहीं आता, क्या करूँ? भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कृत इंसान को बनाया था, कोई भी जीव जंतु अब उससे संतुष्ट नहीं है, सभी परेशान हैं। क्या अब भी इंसान तुझे सर्वश्रेष्ठ कहूँ या सबसे निकृष्ट? हम कोई अलग से नहीं है, कण कण में वह है, हम भी उसी में हैं। हे इंसान, तेरे पूरे कर्मों को बताना शुरू करूँ तो वह कभी पूरा नहीं होगा। जब तक तुम्हारे बुरे कर्मों को बताऊंगा तब तक तुम नए बुरे कर्म कर चुके होगे। हे इंसान, तो भगवान बनने के चक्कर में शैतान बन गया रे, दूसरे को पूरा करने में लगे, तुम्हारे लिए आया हूँ मैं, क्या करूँ? अब भी तो इंसान कह रहा है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। एक बार फिर से हम आपको इस तस्वीर दिखा दें। यह तस्वीर बार बार इस सभ्य समाज से सवाल पूछती है, इस मानव से सवाल पूछती है जो अपने को सर्वश्रेष्ठ कृत बताता है, आखिरकार वह कौन से कार्य कर रहे हैं, उनका मार्ग कौन सा है। विलासिता में डूबा इंसान, यही COVID-19 कोरोना नहीं रुकता, आगे फिर अपनी बात कहता है। हे इंसान, तेरा घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बजाय विलासिता में ऐसे डूबे हो, अभी भी हवा पानी फल अन्न जीव जंतु पेड़ पौधों आदि को ही यह समझ रहे हो। तुम ही बताओ, जितना ऑक्सीजन लेते हो, पेड़ लगाए हो, जितना पानी पीते हो, उतना पानी बचाए हो, तो इंसान अभी कैसे जिंदा हो? तेरे पापों से पृथ्वी मैया घबराई हुई है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ?
तेरे पापों का एक छोटा सा नमूना हूँ, कोई और नहीं कोविड-19 करोना हूँ। यह कथन कोविड-19 करोना का आज के मानव के लिए भावनात्मक बातें रखी गई हैं। ये देखिए आप, कोविड-19 कोरोना वायरस का यह एक फिगर है, एक चित्र है, जिसमें उसकी संरचनाओं के बारे में दर्शाया गया है। प्रबुद्ध दर्शकगण इसे देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। अभी यह जो बातें हो रही थी कोविड-19 कोरोना की तरफ से, अब उपाय क्या है हम लोगों के सामने, हम उन उपायों के संदर्भ में आते हैं। इसलिए हमने इसको इस शीर्षक से लिया है, सद्बुद्धि दीजिए भगवान। जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं जिससे हमें अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है, भटके हुए जीवन में रास्ता मिलता है, माँ को प्रणाम करते हैं। देखिए आप, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भाव क्या है, इसके अर्थ क्या है? हे माँ भगवती, आपने सभी शक्तियों का सृजन किया है। आप प्राणदायिनी, दुखहरणी, सुखहरणी, समस्त रोगों का निवारण करने वाली प्रज्ञावान माँ भगवती हैं, जो सभी देशों की देवी हैं, सभी देवों की देवी हैं। माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आपने मुझे संरक्षण देकर सभी प्रकार के ज्ञान से समृद्ध बनाया है। एक बार हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, मन में ही माँ का ध्यान कर लेंगे और इस मंत्र का जाप कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माँ, हम सबको सद्बुद्धि दो, हम सबका कल्याण करो। सद्बुद्धि दीजिए भगवान, हम आखिर कब जीतेंगे? ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि दें ताकि कोरोना से राहत मिल सके। हमारे ऐसे कर्म नहीं बचे हैं जिससे हम कह सकें कि कोरोना से निजात मिल सके। हमने सदैव ठीक उल्टा किया है, जिससे डरना था उसे हम कर रहे हैं। सीधी बात, पाप से डरना था तो कर डालें और अभी कर भी रहे हैं, इससे नहीं डर रहे। कर्म फल से परेशान होने के बाद भी घमंड में डूबे हैं, हमें क्यों होगा, किया हमने तो होगा भी हमें ही, जानवर को क्यों हो, जानवर तो हमारे कर्मों से दुखी है। विनाश काल में हर ली गई बुद्धि हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि इंसान मर रहा है, मनमानी करेंगे तो वह असंख्य होगी ही। डरिए नहीं, पर पाप गलत कर्म से हर हाल में बचिए। इंसान को कौन कहे, किसी जीव निर्जीव को पीड़ा न पहुँचाए। जरूरत से अधिक खुद के लिए करना दूसरे को कष्ट पहुंचाना है। क्या खाएंगे, हीरा मोती या सोना चांदी, खाकर पेट भरिए। वायु जल फल अन्न की घोर उपेक्षा हमारे अंत का कारण बने तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह चित्र देखें आप, हम सब के आखिर का स्थिति क्या है, एक पढ़े लिखे मूर्ख की जैसी, पढ़े लिखे मूर्ख। किसने हक दिया है अपना किससे मनमानी करने का, वो भी कहो। जलाशयों को हमने कब्जा कर कंक्रीट के जंगल बना दिए, हम भी गजब। शुद्ध वायु को केवल दूषित किया है, दूसरे के लगाए वृक्ष से सांस का बंदोबस्त किया है। अस्पताल में उसी ऑक्सीजन का पैसा देते हैं पर घर पर उसकी व्यवस्था नहीं करते। घर की अनावश्यक गंदगी से दूसरे को पीड़ा देते हैं, शहरों नगरों से गांव तक को प्रदूषित करने से नहीं छोड़ा है। हम जो ज़्यादा पढ़ लिख लिए
नतीजा गए गुजरे हो गए। हम अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं, अभी तो जीवों को पीड़ा पहुंचाने का नतीजा हम झेल रहे हैं, तो सब कर्म हो रहा है। निर्जीव को बेवजह सताने का नतीजा भी सामने एक न एक दिन आएगा ही। परिभाषित हो गई जिंदगी, कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी ने इंसान की भागम दौड़ की जिंदगी को पुनः परिभाषित कर दिया है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में अनगिनत शोधों के बाद जो चीजें लिखी गई वह सभी सत्य साबित हो रही हैं। हमें पता नहीं था तो मानने से इनकार करने लगे थे। गैर जरूरी मैकाले की शिक्षा पद्धति से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी हर वाजिब चीजें भूलने लगे थे। नतीजा हम सभी के सामने है। आप देखें, वेद वेदवान जानना होता है, और हमारे जो वेद हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद पर शोध, हम पश्चिम के देशों की नकल करने में लगे थे और वे हमारे वेद आदि पर शोध में लगे हैं। देवभूमि भारत की प्राकृतिक संरचना ही हमें विश्व भर में बेहतर पहचान देती है। हाथ मिलाने की परंपरा हमारी नहीं थी, हमारी संस्कृति तो साष्टांग प्रमाण की है। पूरे विश्व को कोरोना ने हाथ मिलाने से रोककर हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया है। हाथ जोड़ने की वैज्ञानिकता है, पूरे शरीर को संतुलित करता है। विनय तो विद्या की प्रकृति है। मैकाले से ग्रसित हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारी संस्कृति को नष्ट ही नहीं किया, वरन संवेदनहीन भी बनाया। एक बार फिर से हम चारों वेदों को आपके सामने रख लें। हम नतमस्तक हैं चारों वेदों के सम्मुख, जिनके ऋचाएँ आज भी जानकारी के अभाव में हम लोगों के लिए अबूझ बनी हुई हैं। इन पर शोध की जरूरत है, उसके अनुसरण की जरूरत है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र में अग्नि की आराधना की गई है। फिर कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम अपने विषय पर फिर से आते हैं। यह देखिए आप, आखिरकार क्या विकल्प है? कोरोना महामारी से बचने के लिए आम व्यक्ति जो श्रमिक है, जो श्रमजीवी है, उसके लिए क्या उपाय है? गांव में हो रोजगार क्यों, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें रोककर फिर से भागम दौड़ की जिंदगी पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों को चाहिए कि जनता के हितों को ख्याल में रखकर नीति बनाए, जिससे लोगों को उनके घरों पर, उनके गांव में, उनके नज़दीकी शहर में या उनके जिले में ही रोजगार की व्यवस्था हो। अकुशल या कुशल श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून बहुत बनाए गए, पर उसका पालन व्यवहारिक तौर पर नहीं के बराबर है। पालन होता तो श्रमिक भला अपना घर, गांव, अपना शहर, अपना जिला छोड़कर अन्यत्र क्यों हो जाता? कामकाज की निकट बेहतर व्यवस्था नहीं होने से मजबूर होकर श्रमिक अन्यत्र जाते हैं। इससे बड़े शहरों में आबादी का घनत्व भी बढ़ता है। शहरों में शुद्ध पर्यावरण, नगरों या शहरों का पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। सरकारें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रमिकों को गृह जनपदों में ही सुंदर रोजगार उपलब्ध करा दे तो आबादी वही थम जाए। गांव से गैर जनपद, गैर प्रदेश, गैर देश में पलायन थम जाए। इससे बहुत सी समस्या का निदान भी वही हो जाए। लोग यह कह सकते हैं कि असंभव नहीं है, पर हम कहते हैं कि यह असंभव भी नहीं है। संभव इसलिए है कि संकट के समय में अपना घर, अपना गांव, अपना शहर
ही याद आने के साथ ही सबसे अधिक काम भी आता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया की थ्योरी को प्रत्येक गृह जनपदों में क्रियान्वित करने की जरूरत है और बिना भेदभाव के प्रत्येक जनपदों को धन आवंटित करने की भी जरूरत है, जिससे शहरों का पर्यावरण भी शुद्ध रहे या जो प्रदूषण की स्थिति है उसमें कमी आए। उसके लिए मेरे मन में जो सुझाव हैं उसको भी हमने यहाँ पर दे रखा है। आप इन सुझावों के संदर्भ में अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे। गृह जनपद कर मुक्त, जो चीज़ें जहाँ उत्पादित हो उन्हें उनके गृह जनपदों में कर मुक्त रखा जाए, जो भी जिसके पास हो, पर प्रत्येक इंसान को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध फल और शुद्ध अन्न की ही जरूरत है। वस्त्र व मकान तो बाद में आता है, अन्य चीज़ें तो जरूरत की नहीं बल्कि विलासिता की हैं। झूठे इंसान का कोरोना, देखिए आप आखिरकार जो परिस्थितियां बनी है वो किस तरह से। करो ना, आप कब करोगे, न जाने कितनी बार कहा, करो ना, नहीं सुधरे ना, नहीं सुधरोगे ना, ठिकाना नहीं लगेगा। कहते हैं साफ सफाई का ख्याल रखो, नहीं करना है तो लाख बहाने बना देते हैं। सुबह उठो तो नहीं उठ सकते, बासी मुँह पानी पियो तो नहीं पियोगे, झाड़ू सुबह से पहले लगा लो तो नहीं करोगे, स्नान ध्यान कर लो, कितनी बार कहे, छुआछूत से परेशानी बढ़ती है, बेवजह मत सटो। देखिए बैंक में पुजारी की संज्ञा दी जाती है, घर में साफ सफाई रखकर दूसरे से बिना छुए भोजन बनाने वाले को बैंक में पुजारी कह देना आम बात थी। हाथ मिलाना अच्छा नहीं था, साष्टांग सबसे अच्छा, फिर भी दोनों हाथियों का प्रणाम या नमस्ते करना भी ठीक है। देसी कौन कहे, विदेशी भी खूब नमस्ते कर रहे हैं, जब तक बात समझ में नहीं आती हम भला प्राचीन बातें मानते कहाँ हैं। ज़्यादा समझदार समझने वाला इंसान अब खुद को बेवकूफ समझने लगा है। बचपन में खूब याद है, माताएं भोजन बनाने में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतती थी। कोरोना प्रमाण दे रहा है देखिए किस प्रकार से भारतीय जीवन शैली के संदर्भ में। कोरोना ने वह सभी बातें सिद्ध कर दी हैं जो भोजन बनाता था, स्नान करके ही रसोई में घुसता था और सभी को खिलाने के बाद ही रसोई से बाहर निकलता था। क्या मजा, कोई भोजन बनाते वक्त चख मिले, अब रसोई नहीं किचन है जिसमें बहुएं भोजन में खाना बनाती हैं, किचन में ही भूख की वाला, सभी माताएं बहने इसी में ही हैं, शांत कर लेती हैं। और टूटो पहले संयुक्त परिवार था, अपने बच्चे से अधिक प्यार और परिवार के दूसरे बच्चे से, अपने बच्चे से अधिक प्यार परिवार के दूसरे बच्चों से था। खूब करो ना, वो माता है हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हे माँ पृथ्वी पाए संकट को हरिए और हम सब जैसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करिए। यहाँ पे आप देख लें यह देसी गाय है, देसी गाय के लिए सबसे प्रमुख पहचान कभी हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम बता दें। यहाँ देखिए आप डिल है, यह डिल ही यह प्रतीक है देसी गाय का, जो दूध नहीं बल्कि हम लोगों को अमृत प्रदान करती है। हे माँ तेरे चरणों में हम बारम्बार प्रणाम करते हैं। देखिए आप थोड़ी चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। गाय की गोबर की राख की डेवड़ी रसोई घर की एक रेखा थी, हम सभी को बचपन में यह याद है, आप लोगों को यह ध्यान में आता होगा। चाहे वह मिट्टी की डेवड़ी रही हो या गाय की गोबर की राख रही हो, उसके भीतर केवल भोजन बनाने वाले को ही जाने की अनुमति थी। बचपन में खूब याद है रसोई घर से किसी बर्तन में भोजन निकाल देने के बाद वह बिना धोए फिर रसोई में नहीं जाता था।
भोजन देने में सावधानी बरती जाती थी कि थाली से वह न सटे। खूब करो ना। अब फिर से लौट रहे मजबूर और भयाक्रांत होकर अपनी पूज्य संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। अब करो ना, अब सटो, निपट जाओगे। पितृ ऋण से चुकता होने के लिए विवाह बने थे। जब हम विवाह वासना को अलग न कर सके तो एड्स ने चपेटा। अब करो ना, अब मुंह नाक आंख भी आ गया, कान भी आ जाएगा। खूब करो ना। कोई दूसरे का कपड़ा नहीं पहनता था, है नहीं पर अब गजब का प्यार दिखाते हैं, दूसरे का कपड़ा पहन लेते हैं। खूब करो ना। देखिए वो क्या रहा है, प्राय लोग गाय के नाम पर सुअर का दूध पी रहे हैं। भला के बजाय उल्टे में अनावश्यक लाभ के चक्कर में देसी गाय, जो हमने बताया इसे डिल होता है ऊपर, फिर से मैं आपको बता दूं, पहचान लिया कि वही देसी गाय है। आप देखें यार, गाय का डिल्ले देसी गाय की पहचान, ये डिल और गले में ये ललरी। गाय और भैंस में प्रमुख अंतर यही है कि गाय के पास ललरी होती है गले में जो आगे लटका हुआ रहता है, और भैंस के पास यह नहीं होता। और सामान्यतः गाय और भैंस में अंतर बता पाना आसान नहीं है, यह प्रमुख अंतर है जिसके आधार पर आप गाय और भैंस में आप अंतर बता सकते हैं। यह देखिए आप डिल, फिर से मैं आपको दिखा दूँ। गो माता को हम नमन करते हैं कि भारत भूमि की रक्षा करें, यही चीज हमने बताई। जिसमें यह नहीं है वह गाय नहीं बल्कि क्या है, सुअर। कैसे देखें आप, देसी गाय, डिल व ललरी वाली नहीं, ठीक है ना। लाभ के चक्कर में देसी गाय, मतलब जो इसके में है वो तो ठीक, जो इसमें नहीं है को छोड़कर जर्सी, जो हम लाभ के चक्कर में ज़्यादा दूध हमें मिलेगा। देसी गाय का दूध पीला लिए होता है, जबकि जर्सी गाय का दूध सफ़ेद की तरह होता है। जर्सी, जर्सी है क्या, गाय व सुअर से मिश्रित। जर्सी नामक स्थान पे अत्यधिक दूध के लाभ में इस प्रजाति को जन्म दिया गया, वह है जर्सी। फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहा दूध पीकर स्वस्थ होने के बजाय हम क्या बीमार पड़ गए। हम लोग अपने दूरदिन के लिए कोई और नहीं खुद जिम्मेदार, विश्व का कल्याण करने वाली भारतीय संस्कृति से विरत होकर विदेश से खुद को बड़ा साबित करने में खुद का नाश तो करेगा ही, साथ में विश्व के इंसान ही नहीं बल्कि जीव निर्जीव सबका नाश करने को लगा हुआ है। राक्षस के लिए सिंह या नुकीले दांत से अधिक रहन सहन मुख्य है। COVID-19 कोरोना वाले लोग अपनी गतिविधि से राक्षस या दानव आज से आगे निकल गए हैं। राक्षसों से बचाव के लिए भारतीय संस्कृति के पथ पर भारत ही नहीं पूरे विश्व को भी चलने की जरूरत है। नाश के पहले बुद्धि पहले हर ली जाती है, कमोबेश स्थिति वही बन रही है। आप देखें आप, यह परमाणु बम का एक परिणाम का एक चित्र है। देखें किस प्रकार से यह पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इंसान द्वारा बनाया गया मानो तेरा परमाणु बम, कहाँ गया परमाणु बम, COVID-19 कोरोना के सामने कहाँ गया परमाणु बम, हवा निकल गई सबकी। एकजुट होकर दूसरे की मदद के लिए चिंतित विश्व के देशों शर्म नहीं आती जब बार बार खुद के अनावश्यक लाभ के लिए दूसरे देश का दुखद नुकसान पहुंचाने के पीछे नहीं रहते। वाह रे करुणा, सबको एक दूसरे की मदद के लिए मजबूर कर दिया। हमारे वेद उपनिषद पुराण शास्त्र सदैव से दूसरे की मदद करने के मार्ग को महत्वपूर्ण बताया। टूटिए
अब नहीं टूटेंगे, अब जुड़ने की बात आ रही है, खूब करिए नमस्ते। बेवजह मिलाने के चक्कर में एड्स व कोरोना हो रहा है। जैव विविधता प्रकृति के नैसर्गिक नियम को हमने खुद तोड़ा। हर जीव को खाने में पीछे नहीं रहे, अपिए को खूब पिया, झूठे आनंद के चक्कर में सच्चिदानंद को छोड़ गए। हम ऐसे ही रहे तो अभी नीचे ये जो गतिविधियाँ हमारी अनावश्यक हुई उससे हमें एड्स हुआ और ऊपर कोरोना से गए। वह दिन दूर नहीं है जब आगे से अर्थात जो हमारी गतिविधियाँ हैं उससे यह इंसान जो भगवान के चक्कर में शैतान बन गया है निपुंसक भी हो जाएगा, पीछे किसी काम के नहीं बचेगा। धत तेरे के इंसान तेरा विनाश तय है, ज़्यादा समझदार बनता है। जीवों से मानव का बखान। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी जीव का बखान किया गया हो, किसके हाथ इंसान जैसे हैं, किसकी आंखें इंसान जैसी हैं, किसकी चाल इंसान जैसी, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। उसके बाद भी इंसान सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुलना किससे की जाती है देखिए आप। क्या कभी इंसान से किसी जीव की तुलना हुई है? जब कभी भी दुष्ट इंसान को बढ़िया बताने की कोशिश हुई है तो उसकी तुलना कोयल से की गई, हिरनी से की गई, गज से किया गया, अश्व से या अन्य जीव देवियों से हुई है। किसी भी अन्य जीव के नहीं स्वीकारने वाला खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने में गौरव महसूस करने वाला इंसान गजब का कोरोना से भयभीत है। भयभीत होकर भी नहीं सुधरेगा तो शीघ्र ही हम निपट जाएंगे अर्थात खत्म हो जाएंगे। कोरोना भी कह रहा है, कोरोना अब नहीं करोगे? सुंदर लोगों को चाहिए या स्वच्छ लोगों को भी बचाने की कोशिश न छोड़ें, अन्यथा संवेदना खत्म हो जाएगी। कोरोना जी अब मान जाइए, जो नहीं करना है उसे नहीं करके कोरोना जी को नमस्ते करिए। हम नमस्ते ही नहीं आपको साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। आप देखें यह आज की चीज नहीं है, यह हमारी प्राचीन संस्कृति रही है जिसको हमने गंभीरता से नहीं लिया। उस समय नाक और मुंह पर पट्टी बांध करके अदृश्यमान असंख्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम संकल्प लेते थे ताकि उनकी जान बची रहे। आज उन्हीं तरह के विषाणु जीवाणु से अपनी जान बचाने के लिए हम इसका पालन कर रहे हैं। प्रवृत्ति देखें, एक तरफ हम उनकी जान बचाने के लिए सब कुछ करते थे, आज हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। आगे देखें आप, जैनियों से सीखें गुरु। जैनियों से हम सीख लिए होते तो आज मास्क न लगाना पड़ता, सूक्ष्म जीव भी नाक मुंह में न जाए, जीवों को किसी तरह की पीड़ा अथवा कष्ट या मृत्यु न हो, इसलिए जैनी मुंह पर पट्टी लगाते हैं। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बने और हम सबको सद्बुद्धि आए। गैर मनुष्य की जीव हत्या से बचने के लिए मुंह पर पट्टी वाजिब है। जीव हत्या कर नाक मुंह पर मास्क पट्टी लगाना हमारी मजबूरी है, फिर भी हमें ईश्वर ही बचाए, हमारे कर्म हमें बचे रहने की अनुमति नहीं देते हैं। अब भी जीत जाएं तो नुकसान कम हो, जो गलत था मांसाहार तो क्यों किया, सही था तो क्यों छोड़ दिया। अभी भी हम नहीं सुधरे हैं, ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे और जिससे इस सृष्टि की सुरक्षा हो सके। फिर से एक बार हम दिखा देते हैं उन महत्वपूर्ण चित्रों को जो अपने स्मरण में रहे। देखें आप, हम आपको नमन करते हैं जैन मुनि जिन्होंने काफ़ी पहले ही हम लोगों की सीख दी थी। उसके साथ आप देखें
यह इंसान की करतूत है कि जान बचाने में असफल है परंतु जान लेने के लिए कितनी योजनाएं रोज बना रहा है, और निरपराधियों को हिरोशिमा नागासाकी में कैसे बम से मार दिया गया था जिसकी परिणति आज भी संसार में लोग भुगत रहे हैं। वहाँ के लोग और भ्रम में आकर के हम गाय का नहीं बल्कि सुअर का दूध पी रहे हैं, और जो देसी गाय है उनका हम अपमान कर रहे हैं। इनसे सृष्टि बच सकती है। और इधर देखें आप, गाँव में जो रोजगार है उन्हें टैक्स से मुक्त करके शहरों में बढ़ रही आबादी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, और शहरों में पर्यावरण को भी शुद्ध किया जा सकता है। गांव में रोजगार के जो विविध अवसर हैं वहीं पर उन्हें दिए जाएं, उनके लिए जो न्यूनतम मजदूरी निश्चित है वह मिले, श्रमिकों के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, यह सब शिक्षा का मिले, तो निश्चित तौर पर वे शहरों के बजाय गाँव में ही रुकेंगे, ठहरेंगे। विदेशों में हमारे वेदों पर शोध हो रहे हैं पर भारत में उस गति से काम नहीं हो पा रहा है। ये हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम इनको नमन करते हैं। सृष्टि को बचाने में आपकी कृपा बनी। इसके साथ आप देखें कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं भोक्ता को कार्य करते हैं वो अलग विषय है, परंतु यहाँ स्थित मानव की यह हो गई कि जो पढ़े लिखे हैं वह मूर्खों से बढ़कर व्यवहार कर रहे हैं, जिससे सृष्टि को खतरा उत्पन्न हो गया है। और माँ गायत्री की हम आराधना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। हे माँ, हम सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि दें, हम सबका कल्याण करें, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। और यह देखें आप, कोरोना का जो स्वरूप है उसके विभिन्न जो अवयव हैं, जो कारक हैं, उनको संकेत के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और यह पीड़ा एक बार आप फिर से देख लें कि इंसान से अन्य जीव किस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, उसका एक महज उदाहरण है। ऐसे न जाने अनगिनत घटनाएं रोज हो रही हैं जिससे पृथ्वी के जीव जंतु इंसान से अत्यंत दुखी हैं। इंसान भी इस बात को महसूस करता है परंतु वह अपने उन कर्मों को छोड़ने से बाज नहीं आ रहा है। और इसी के साथ पापों का नमूना कोविड-19 कोरोना का यह अंक पूर्ण होता है।